हेलो फ्रेंड, मूवी रिव्यू के फ्रेश कमाल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे द वॉर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज मैंने देख ली द वॉर। मतलब मूवी देखते आपको ये होगा, जैसे आप अगर कहीं जाते हैं आपको मिलेगा केक, तो केक में आप स्वीट देखेंगे, लेकिन जब वो केक खाएंगे तो केक का टेस्ट लेस्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक इस मूवी। मूवी में जो मूवी के जो कंटेंट थे, स्टोरी लाइन थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टोरी हमें कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, प्लस काफी बोर कर रही थी। एक पीक पे काफी हाई पीक कर दे रही थी, काफी बोर कर रही थी। अगर देखा जाए तो यश राज की ये फिल्म द वॉर, जहाँ पे कास्टिंग दे रही थी रोशन और टाइगर, दोनों ही बेस्ट डांसर, बेस्ट एक्टर, उनकी काफी अच्छी अच्छी मूवी है। सुनने में आया था कि टाइगर श्रॉफ के ऋतिक रोशन के साथ एक मूवी बनाया जाता है, जहाँ एक बेटर डांस होगा। लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे जो उनके पहले सॉन्ग थे जय जय शिवशंकर, तो उन्होंने बैटल सॉन्ग नहीं किया गया, बेसिकली दिया गया था फॉन्ट में कि ऋतिक वर्सेस टाइगर, लेकिन सिंपल से वो दोनों साथ में ही कर रहे हैं। जहां तक स्टोरी की बात की जाए, एक सिंपल सा स्टोरी है, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक भी क्लासिक दिया गया है, लेकिन उसमें भी काफी मजा नहीं आ रहा है, मतलब चराई स्टिक्स नहीं किया गया। बेसिकली ये मूवी वॉर ना होके धूम का चौथा टाइटल होती, क्योंकि बेसिकली टोटल मूवी ऋतिक रोशन में बनाई गई है। सिर्फ टाइगर श्रॉफ को एक्शन के लिए बोला गया, जा बेटा तू एक्शन कर ले, उसे टू मच एक्शन कर रहे हैं। जहां तक अगर फाइट सीन की बात की जाए, जो वहां पे दोनों के बीच में फाइट, वो एक बेसिकली 6 से 7 मिनट की फाइट होती है पूरी मूवी में। एक सिंपल सा जस्टिस डाउन की तरह एक मूवी बना दी गई, जहाँ सुपरमैन वर्सेस बैटमैन, लेकिन फाइट है मात्र 3.5 मिनट के। मतलब मूवी में आपको एक अच्छा सा प्लॉट, जहाँ पे ट्रेलर ने काफी पीक हाई की थी यश राज की फिल्म में, उनकी काफी फिल्म बहुत अच्छी है आप नो डाउट, लेकिन इस मूवी में उसे नहीं कर पाए। यहाँ पे उनके पास दो कैरेक्टर दिए गए थे, दो बेस्ट कैरेक्टर दिए गए थे, लेकिन उसको भी अच्छे से डायरेक्टर ने यूज नहीं किया। कहानी और अच्छी हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी में भी एक डिक्रीजिंग प्लॉट आया। तो चलिए सस्पेंस की बात करते जाते हैं। तो स्टोरी में कहीं ना कहीं जो सस्पेंस दी गई एंड में, और एक बीच में थोड़ी सस्पेंस की गई, तो कहीं ना कहीं सस्पेंस के पर मूवी एक बहुत अच्छी सस्पेंस वहाँ क्रिएट कर पाई। लेकिन अगर आप जब स्टार्टिंग से कोई मूवी देख रहे हो, काफी मूवी आपको बोर करती है, थोड़ी सी हाई हो जाती है, काफी एक्शन बढ़े जाते हैं, तो जब वहाँ जब स्टोरी सस्पेंस के साथ क्रिएट करते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ी देर के लिए मूवी अच्छी लगेगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं मूवी आपको दिल पे नहीं उतरेगी। लेकिन अगर मूवी देखने जा रहे हैं, तो अगर जैसे मूवी कोई देखते हैं तो उनको ये मूवी अच्छी लगेगी, अगर लेकिन डीप मीनिंग आप देखे जाए तो स्टोरी काफी अच्छी बनाई जा सकती थी, क्योंकि आपने दो एक्टर लिए बहुत अच्छे से। तो एक्ट्रेस की बात की जाए, वाणी कपूर, तो इस मूवी में वाणी कपूर का एक अच्छा सा रोल दिया गया, लेकिन उसमें सेट नहीं कर पाई, क्योंकि उनसे उस तरह की एक्टिंग नहीं हो पा रही थी, जिस तरह से एक्टिंग हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बॉलीवुड में, तो उस तरह से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। जैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो मूवी में एक एक्ट्रेस की जरूरत होती, उसको बस उन्होंने फिल किया और एक सिंपल सा एक प्लॉट पर वो चलती गई। अगर विलन की बात की जाए, अदर साइड विलन की बात करते हैं हम लोग, तो विलन को भी इतना इफेक्टिव नहीं बनाया गया कि वो हीरो को प्रदान कर सकते। इस सिचुएशन में लग रहा था कि हीरो ही मोर पावरफुल है विलन से, तो कहीं ना कहीं वो विलन भी इस मूवी में सेट नहीं कर पाए। तो इस मूवी के सॉन्ग की चलिए बात करी जाए, तो इस मूवी में दो सॉन्ग बेसिकली और कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो पहले जो सॉन्ग्स हैं, जो घुंगड़ू, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे जो एक्टिंग है ऋतिक रोशन के, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, और डांसिंग भी काफ़ी अच्छा किया है। और दूसरी सॉन्ग थे जय जय शिवशंकर, जहाँ पे अगर आप ऋतिक की डांसिंग देखेंगे और टाइगर श्रॉफ की डांसिंग देखेंगे, वाओ, मतलब उन्होंने अच्छा डांसिंग किया है। ये मूव्स करते हैं यार, जो अगर 5 मिनट में एक स्टेप करता है, वो 1 मिनट में 15 स्टेप करने वाले ऋतिक रोशन, उनके स्टेप्स, वो लचीले बदन, वो उनके लेग्स की, जो आप जय शिवशंकर में उनके लेग्स देखेंगे, बेसिकली वो आसान नहीं है करना, और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है नो डाउट। मतलब इस गाने में काफ़ी उन्होंने मेहनत की। अगर सॉन्ग्स की बात की जाए, तो दोनों ही सॉन्ग्स हमको काफ़ी अच्छे लगे मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छा था सॉन्ग्स पर अगर देखा जाए तो। अगर सॉन्ग्स पर सिर्फ मूवी की रेटिंग दी जाए तो मैं 5 में से 4 दूंगा, लेकिन देखते हैं कि मूवी की रेटिंग क्या होनी चाहिए। फाइनली अगर रेटिंग की बात की जाए, तो इस मूवी को मैं रेट करूंगा 5 में, तो मैं इस मूवी को 5 में 3 स्टार दूंगा। 1 स्टार सॉन्ग्स के लिए, 1 स्टार ऋतिक रोशन की एक्टिंग और डांसिंग के लिए, और 1 स्टार कहीं ना कहीं टाइगर श्रॉफ की थोड़ी सी एक्शन के लिए, लेकिन टू मच एक्शन के लिए नहीं। मैं इस मूवी को 3 out of 5 दूंगा, और 2 स्टार मैं इसलिए डिडक्ट करूँगा। पहला स्टार मैं डिडक्ट करूँगा स्टोरी के जो लेंथ रन टाइम थे, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इस मूवी को 1.5 घंटे में भी ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन टू मच ऑफ बोरिंग जहाँ जहाँ सीन्स थे, उसको अगर एडिट कर देते, उसको अच्छे से पिक्चराइज करते, तो स्टोरी 1.5 घंटे में एक अच्छी बन सकती थी। और दूसरी मैं स्टार डिडक्ट करूँगा, जो इतनी अच्छी स्टोरी को सही डायरेक्शन नहीं दिया गया, इतने अच्छे एक्टर कास्टिंग के बाद भी आप इस मूवी को एक इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए, इसलिए मैं उसमें 1 स्टार काटूंगा। तो मैं इस मूवी को फाइनल रेटिंग दूंगा 3 out of 5। बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ढेर सारे मूवी रिव्यू देखने के लिए मूवी रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।